हेलो, दिस इज़ ध्रुव राजगोसाई। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी ये वीडियो इसीलिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ कि आप सबके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है जो अभी अभी हमें जो कि CDI कॉलेज है उनकी तरफ से मिली है। तो उन्होंने एक लेटर दिया हुआ है, यानी कि सभी एजेंट को एक ईमेल किया हुआ है। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए हुए हैं वो हम देखते हैं। तो पहला टॉपिक है स्टूडेंट हु कंप्लीटेड 1 ईयर इन देयर ऑनलाइन क्लासेस एंड स्टिल वेटिंग फॉर फाइनल अप्रूवल डोंट नीड टू पे थर्ड सेमेस्टर फीस एंड कैन कंटिन्यू देयर क्लासेस। जो कि स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है और उनको अभी थर्ड सेम की फ़ीस पे करने की बात आती है, तो उनको अभी थर्ड सेम की फ़ी पे करनी ज़रूरी नहीं है और वो थर्ड सेमेस्टर कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है उनका ये कंसर्न था, तो उन्होंने ये अभी ये अपडेट इस बारे में भी दिया हुआ है। उनका सेकंड पॉइंट है दैट थर्ड सेमेस्टर नेक्स्ट पेमेंट विल बी ड्यू राइट आफ्टर दे रिसीव देयर फाइनल अप्रूवल, यानी कि उनको फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद ही वो उनकी थर्ड सेमेस्टर की फ़ी डिडक्ट करेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट इज़ दैट इनकेस वीज़ा इज़ रिफ्यूज ड्यूरिंग फाइनल स्टेज देन कॉलेज विल रिफंड फुल फी एक्सेप्ट $250। यानी कि जो उनकी पॉलिसी थी, अगर आपकी फाइल रिफ्यूज़ हो जाती है तो आपको सिर्फ $250 ही पे करना होता है, आपने ऑनलाइन क्लास किया है या नहीं किया है। फोर्थ वन इज़ इन केस एनी एप्लीकेंट्स विशेस टू विड्रो एप्लीकेशन ड्यू टू डिले इन प्रोसेसिंग वी वुड लाइक टू अपडेट दैट मैनी ऑफ आवर पार्टनर्स रिसीव्ड PPR इन लास्ट 20 डेज़। यानी कि जो भी स्टूडेंट जो भी चाह रहे हैं कि अपनी फाइल विड्रॉ कर ले, तो उनको ये पार्टनर्स जो है उनको इन 20 दिनों में काफ़ी PPR मिल चुकी है, ऐसा दावा है उनकी तरफ से। वी अंडरस्टैंड रिजल्ट अनाउंसमेंट आर स्लो बट कॉलेज इज़ क्लोजली वर्किंग टू विथ IRCC एंड डिसाइड टू सबमिट ऑल पेंडिंग फाइल्स टू IRCC। Kindly fill attachment with file your students information who are waiting for the result। यानी कि अगर आपके एजेंट को ये मेल नहीं आई है तो आप उनको एक बार ये जो मैं अपना वीडियो है उनके साथ शेयर करके एक बार कंफर्म कर लीजिए ऐसे मेल इनको आई है या नहीं आई है। अगर ना आई हो फिर भी वो अपनी जो आपके जो फाइल है वो वो अपनी कॉलेज जो है CDI उसको भेजें, ताकि वो सारे स्टूडेंट की लिस्ट बनाकर IRCC में सबमिट करवा रहे हैं। तो आई थिंक ये एक होप हमें दिखाई दे रही है CDI की तरफ से, क्योंकि उन्होंने एक पॉइंट में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपकी फाइल आपका वीज़ा जब तक नहीं आता तब तक हम आपकी थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस भी डिडक्ट नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छा साइन है। तो आई थिंक हमें अपने अपने एजेंट से बात करनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि आपकी जो डेटा है वो सारी CDI कॉलेज को भेज दें। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सारे CDI के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो अपने एजेंट के साथ बात कर सकें। अगर इन केस उनके एजेंट के पास ऐसा कोई मेल नहीं आया है तो भी वो अवेयर हो जाए कि नहीं ये सब हो रहा है, तो वो अपने स्टूडेंट की डिटेल्स जो है वो CDI कॉलेज तक पहुंचा सके।